नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि। और 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। भव्य मंदिर में राम लला विराजमान हो गए। करोड़ों लोग इस पल के साक्षी बने। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों में गजब का उत्साह है। देश ही नहीं विदेशों में भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आज से सभी लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब सभी राम भक्त भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुबह रामलला के पट खुलने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं। राम मंदिर में भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर है, रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। दर्शन के लिए अयोध्या में रात से ही लंबी कतार देखने को मिली। मंदिर के अंदर और बाहर हजारों की भीड़। आज से आम दर्शन के लिए खोला गया मंदिर। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दर्शन है। टीवी 9 भारत वर्ष में वो तस्वीर आपको दिखने में जा रही होगी, जहां तक नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में भक्तों का हुजूम पहुंच गया है, जनसैलाब उमड़ आया है और जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की तरफ आ रहे हैं। एक से तिल रखने की भी जगह इस जगह पर नहीं नजर आ रही है और बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। सुबह में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को कई तरह के उपाय भी करने पड़े। और ये देखिए, आपको जहाँ भी दो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन इस जगह पे जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रशासन ने जितनी शायद उम्मीद की होगी उस उम्मीद से इतर यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। हालाँकि प्रशासन का दावा था कि हम 2 लाख लोगों को यहाँ पर एक साथ समाहित कर सकते हैं, लेकिन जो सुबह से लोग आ रहे हैं वो भीड़ बहुत ज़्यादा है और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोग कोशिश तो लगे हुए प्रशासन के, लेकिन अभी भी उस तरह की सफलता आपको नज़र नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये वो है जहाँ पे स्कैनिंग होके और फिर लोग निकलते हैं। वहाँ पे देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह खड़ी है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इनको जाने से या नियंत्रित किया जाए ताकि कहीं कोई परेशानी ना हो। तो देखिए राममय माहौल है और टीवी 9 भारतवर्ष आपको अयोध्या राम मंदिर से हर रिपोर्ट सबसे पहले पहुंचा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ राम मंदिर से ही 2 सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अभिजीत ठाकुर भी राम मंदिर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज जी, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी एक रिपोर्ट हमने देखी, सुबह से ही बल्कि रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है रामलला के दर्शन के लिए। जरा आप ये बताइए किस तरह की व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से ताकि व्यवस्थित ढंग से सभी राम भक्त दर्शन कर सके। देखिए मैं अभी जहां हूं वो राम जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है बिल्कुल सामने, और अभी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल एंट्री रोक दी गई, क्योंकि पहले से मंदिर के अंदर में इतने लोग हैं जहाँ तिल रखने भर की जगह नहीं। उसके बाद दोपहर की आरती शुरू हो जाएगी। मैं कहूँगा सुभाष अपने सहयोग को दिखलाने के लिए कि पूरा ये बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया है, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि पूरे सड़क पर जिधर भी जाएंगे आपको श्रद्धालुओं की भक्तों की भारी भीड़ नज़र आती है। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली से आए हैं और अभी दर्शन करके लौटे हैं। आप दर्शन करने गए थे, क्या था वहाँ पे अंदर माहौल? बहुत भारी भीड़ है सर। जिस समय सुबह सुबह 7 बजे मैं दर्शन करने गया तो इतनी भयंकर भीड़ थी, और वहाँ पर जो मेन गेट पे हमारे पुलिस वाले भाई थे या जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वहाँ पर थे, पर बीच में कोई भी पुलिस वाले भाई नहीं थे उसमें। देखिए मैं इनको रोक रहा हूँ, देखिए जैसे ही किसी को पता चला इस तरह की बात फैली कि किस तरीके से मंदिर का गेट खोला जाने वाला है, और देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल है, घनघोर अव्यवस्था अराजकता जैसी दिखने लगी। जैसे ही पता चलता है कि मंदिर का गेट खुल सकता है, लोगों को एंट्री दी जा सकती है, हालात हो जाते हैं। पुलिस के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के लिए पिछले काफ़ी देर से यानी आधे घंटे से मंदिर के अंदर ही इतनी भारी भीड़ हो गई थी कि लोगों को रोक लिया गया था। अब जैसे ही खबर मिली कि दोपहर की आरती से पहले कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी तो ये भगदड़ जैसी स्थिति है, और ये स्थिति खराब है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है इसी तरीके हालात में मंदिरों के बाहर में हादसे होते रहे हैं, और ये देखिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं गठरी मठरी बैग लेकर के, अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा, अंदर बैग ले नहीं दिया जा रहा, लेकिन इनको रखने की जगह नहीं। देखिए कि मंदिर के गेट के बाहर में क्या हालात हैं राम जन्मभूमि मंदिर में,
22 तारीख के बाद 23 जनवरी शहर में करीब 1.5 से 2 लाख लोग पहले से रुके हुए हैं। अब जा करके बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है इन लोगों को, जितने लोग अंदर जा सकते हैं। ये दिख रहा है सबको रामलला की एक झलक देखने की इच्छा है, और उसके लिए सरयू नदी से लेकर के यहाँ तक पूरे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है और अव्यवस्था दिख रही है। पुलिस के लिए इनको रोक पाना, क्योंकि सब चाहते हैं कि कम से कम आज तो दर्शन कर लें। कोई 5 दिन से, कोई 4 दिन से, कोई 3 दिन से, कोई नंगे पांव सरयू में स्नान करके, हनुमानगढ़ी से स्नान करके रुका हुआ है। यहाँ देखिए अपने आप तो सर पे ही आपने जय श्री राम लिखवा लिया भाई साहब। भाई साहब हमने तो ये राम दरबार हमारे राम लल्ला का जो राम लिखवाया है। दर्शन हो गए आपके? अभी दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं। कब से खड़े हैं? बस जब ही मिलेगा दर्शन हो जाएगा। कहाँ से आए हैं? हम गुजरात गांधीधाम कच्छ से आए हैं। कच्छ से आए हुए हैं, गुजरात के गांधीधाम से। इनको इंतजार है कि भगवान राम लला की एक झलक मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। और ये मैं जानना चाहूंगा, और भी लोगों से बात करता हूँ, आप कह रहे थे कि अंदर में क्या स्थिति थी? सर अंदर में इतना ज्यादा रश था कि सांस लेना भी मुश्किल था। चाहे खुला वातावरण है, बंद कमरा नहीं है, फिर भी सांस लेना भी मुश्किल है। क्या करना चाहिए? उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि गवर्नमेंट को 10 या 20 लाइनें आराम से लंबी लंबी बना देनी चाहिए जो मेन गेट तक आए। साहब देखिए मैंने कहा, जैसे ही लोगों को पता चला कि शायद गेट खुलने वाला है, जब अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, लाइन नहीं लग रही है, अब पुलिस फोर्स उनको अंदर से खींच रही है। कहां से आना हुआ आपको? उड़ीसा, उड़ीसा प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इतनी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं और भक्तों को मैनेज करना, जो कि हम देख भी पा रहे हैं। आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी राम मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, राम मंदिर के किस गेट पर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? क्योंकि पंकज जी की रिपोर्ट में तो हमने देखा कि श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार कर रहे रामलला के दर्शन के लिए, लेकिन उनकी बारी तक नहीं आ पाई है। कैसी व्यवस्था है वहां पर? जी पंकज जी ने जो आपको तस्वीरें दिखाई वो मेन रोड से जो मंदिर परिसर की तरफ एंट्री होती है वहां से है, लेकिन मैं मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हूं इस वक्त, और यहां से आगे चेकिंग के बाद लोग बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार है कि लोग अपनी जगहों पर ही बैठ गए हैं, और ये अलम तब है जब बाहर से एंट्री बंद कर दी गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी कम से कम 5,000 लोग मंदिर के अंदर हैं जो कि कतारों में खड़े होंगे। यहाँ से मंदिर की दूरी जो है वो 100 मीटर के आसपास है, और चेकिंग के बाद वो आगे बढ़ते हैं। चेकिंग के लिए अभी सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स है वहाँ, उसकी वजह से भी परेशानी आ रही है कि फ्रिस्किंग समय से नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ देरी हो रही है जिसकी वजह से। और यहाँ पर अर्धसैनिक बल और यूपी पुलिस के भी अतिरिक्त पुलिस बल अभी यहाँ पर बुलाए गए हैं, और तमाम यूपी पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जब अव्यवस्था फैली और बैरिकेडिंग को भी लोग तोड़ने लग गए थे, एक स्टील का गेट तो लोगों ने तोड़ भी दिया था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्थिति को थोड़ी बहुत नियंत्रित की गई है, वो भी तब जब मेन रोड से यहां पर एंट्री बंद कर दी गई। मंगलवार का दिन है और उद्घाटन के बाद आज पहला दिन है। प्रशासन को पहले से इस बात की आशंका थी, व्यवस्था इस तरीके की गई थी। आप देख सकते हैं कि अब एग्जिट के लिए यहां पर एक श्रृंखला बनाई गई है और यहां से एग्जिट लोगों का कराया जा रहा है, तो एग्जिट के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। एक और कारण भीड़ बढ़ने का अंदर में यह भी था कि ये रास्ता आप देखिए, ये जो ये हनुमानगढ़ी की तरफ से आता है, हनुमानगढ़ी की तरफ से ऐसी कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी जहां से लोगों को प्रवेश में दिक्कत हो, तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद जो हजारों भक्त मंगलवार बिल्कुल आज मंगलवार का दिन भी ऐसे में हनुमान मंदिर भी भक्त जा रहे होंगे, और उसके बाद राम मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा हो गई जैसा अभिजीत बता रहे हैं। कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुंदन आपका रुख करना चाहूंगी, आखिर इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी परेशानी क्यों पुलिस प्रशासन के सामने, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है सुरक्षा व्यवस्था में? क्या एक्सपेक्टेड नहीं था इतने श्रद्धालु, इतने राम भक्त पहुंच जाएंगे पहले दिन दर्शन के लिए? इस वक्त क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए अंजलि, 2-3 बातें बताना चाहूंगा और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूंगा, ये मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग जो आ रही है जन्मभूमि की ओर, और हनुमानगढ़ी से लेकर यहाँ तक मुख्य मार्ग पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़, लोगों की हुजूम नज़र आ रहा है। ये वो लोग हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं, कोई VIP, कोई VVIP नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आम आदमी को भी जगह नहीं मिल रही है कि वो आ सके, और उसकी वजह से लता चौक के बाद से ही गाड़ियों के मूवमेंट को बैन कर दिया गया है, और हनुमानगढ़ी आते आते तक बैरिकेड लगा दी गई है, मतलब आप हनुमानगढ़ी के बाद नहीं आ सकते अंदर, तो ये स्थिति। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन की तरफ से भी जो गेट है उस गेट को भी बंद कर दिया गया है, वहां से भी किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। भीड़ की बड़ी वजह यह है अंजलि कि आज से रेलवे ने अपना एक तरह से नेटवर्क शुरू किया है और लोकल ट्रेनें अब अयोध्या में रुकने लगी है, तो श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था एक हुजूम के तौर पर आ रहा है, निश्चित रूप से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
और दूसरी बात ये बताया बिना दर्शन किए जा रहे हैं लोग। दरअसल क्या है, इसमें सरकार की प्रशासन की कोई गलती नहीं है, लोग बाग जरूर से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इतना प्रेशर थोड़ी डालना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए। सभी लोग धक्का मुक्की कर करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, इससे हादसा हो सकता है। बिल्कुल अंजलि, आप सुन सकते हैं इससे हादसा हो सकता है। दो तीन बात मैं और क्लेरिफाई करना चाहूंगा। मंदिर के खुलने और मंदिर के बंद होने का वक्त है, दरअसल जो वक्त है वो इतना कम है, भीड़ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जिसने में उस भीड़ को उस समय दर्शन करवाना बहुत ही मुश्किल है। यदि कोई दर्शन करने के लिए चला भी जा रहा है तो अंदर में इतना कॉम्पैक्ट एरिया है कि उन्हें परेशानी हो रही है, तो आम भक्तों की बड़ी परेशानी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम महाराष्ट्र से आए हैं। दर्शन नहीं हुआ है अभी? नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा भीड़ है, लगातार बातचीत कर रहे हैं और राम मंदिर से आपको रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं चैनल के माध्यम से, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितनी भीड़ है। तो फिलहाल अगर आप राम मंदिर जाने का, रामलला के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, थोड़ी भीड़ कम होने दीजिए। हमारे तमाम सहयोगी यही बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इतने भक्तों को मैनेज कर पाना। लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर इस बीच है, रामलला के दर्शन के लिए लोगों में भारी उत्साह है, दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। रामलला के दर्शन के लिए विदेशों से भी भक्त आए हुए हैं। राम मंदिर से कुमार कुंदन हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अयोध्या में जहां भी आप देखेंगे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहां पे मशक्कत करनी पड़ रही है। कहां से आए आप लोग? ओडिशा से आए हम। ओडिशा से आए हैं और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं जी, दर्शन के लिए आए, दर्शन के, रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। वर्तमान 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं, खुशी समाया नहीं जा रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पागल जैसे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। भीड़ 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 हो गई है, डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है, रामलला है, रामलला के संकट मोचन हनुमान है, तो डरना क्या है? हम बक्सर जिला से आए हैं, थनाईचाही गांव जयपुर से, 500 वर्ष पहले से हम राम के दर्शन करने के लिए आए हैं पैदल चल करके। विदेशी लोग भी बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जय श्री राम करते हुए नजर आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग कहाँ से हैं? I'm from New York. Okay. I speak English. Okay, no, only sure, very sure. little Hindi. Yeah, sure, sure. What was your first reaction after? Oh wow, this darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see Lord Ram today was a very moving experience. Somehow or other, I got to be one of the first people in the queue. I don't know how it happens. It's not my country, but I'm just so grateful to be a part of this. Did you manage to pay the... Yes, I had darshan. I was like the third lady that was allowed through the gate. तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन है रामलला के दर्शन का और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे तमाम संवाददाता आपको रिपोर्ट भी बता रहे हैं वहां के ताजा हालात। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी, जो दर्शक हमें इस वक्त देख पा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जरा उन्हें बता दीजिए, अगर उन्हें रामलला के दर्शन करने हैं तो, क्योंकि राम मंदिर पहुंचने के और रामलला के दर्शन के कुछ नियम भी बनाए गए। 5 बार आरती होगी, सुबह 8 बजे से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। कब कब दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे, आरती के वक्त भी क्या दर्शन होंगे, जरा इसके बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी राम जन्मभूमि गेट के ठीक सामने, अगर आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, यहाँ के एडीजी पीयूष मोडिया हैं, आपको पीसी के एडीजी सुजीत पांडे, जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी हैं सब गेट के बाहर आए हैं। श्रद्धालुओं को बैठाया जा रहा है, अफरा तफरी के हालात हैं। कुछ लोग जो जाने की कोशिश कर रहे थे वो थोड़े इंजर्ड भी हुए। आपको बताऊं कि लोगों को जानकारी नहीं है, जैसा मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हो जाता, जैसे अंदर जाना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, बैग नहीं ले जा सकते, लेकिन उनको कहाँ रखा जाए इसके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया। मंदिर में कितने बजे से कितने बजे तक दर्शन होगा, क्या आरती के वक्त दर्शन हो सकते हैं, आरती के वक्त दर्शन नहीं हो सकते, अभी जो शुरुआत में किया गया है उसमें सिर्फ पुजारी और जो लोग हैं वही वहां पे रहेंगे, दोपहर में 2 घंटे का दर्शन नहीं होगा, पूरा जो इलाका है अंदर उसमें एक साथ लोगों को ले नहीं जा सकते, हालांकि 2 लाख लोगों को दर्शन कराने की कैपेसिटी है, लेकिन वो तब जब मंदिर पूरा बन जाएगा। लोगों में जानकारी के अभाव है और सब लोग जो आए हैं
17 तारीख से ट्रेन और बसें रोक दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या में पहले से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। क्या बताएंगे, क्या हो रहा है, आप लोग क्या कहाँ से आए हैं? मैं अमित त्रिपाठी हूँ, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, लेकिन हम नोएडा से दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि हम लोग अभी लाइन में लगे और एकदम से भीड़ इतनी बढ़ रही है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लोगों और राम मंदिर के पीछे आस्था है लोगों की, उस आस्था की वजह से प्रशासन कोशिश कर रहा है। अनाउंसमेंट सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आप अनाउंसमेंट सुनिए। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबको दर्शन होंगे, बैठ जाएं, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। ये आप सुन रही हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है पुलिस की तरफ से, लोगों को बताया जा रहा है कि सबको दर्शन कराया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें। एक्चुअली है क्या कि सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर ले, और ये जो लोगों में राम की भक्ति है, राम लला को एक दर्शन कर लेने की, उसकी वजह से ये राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने के हालात हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये स्थिति यहाँ पर आप देखिए कि सारे सीनियर पुलिस अधिकारियों को आना पड़ा है, उतरना पड़ा है, नहीं तो ये भीड़ को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल पंकज जी, ये राम भक्तों की भावना है, श्रद्धा, जिसे समझना भी पड़ेगा। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम लला लौटे हैं और राम मंदिर बना है और इसीलिए दर्शन को आतुर है सभी राम भक्त। देखिए, तीन सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे आपको, अभिजीत ठाकुर, कुमार कुंदन और पंकज झा, तीनों ग्राउंड रिपोर्ट राम मंदिर से आप तक पहुंचा रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी अपडेट आई है राम मंदिर से, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे दे। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ पर राम मंदिर के प्रमुख पुजारी, जो मुख्य पुजारी है सत्येंद्र दास, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा है कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम का नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा, ये दो चार दिन चलता रहेगा, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं, विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने थे पूरे भारत के, प्रत्येक मंदिरों के एक एक लोग दूध दूध चर चर को लेकर के आए हैं, इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है। और राम मैं दिखाई दे रहा अयोध्या, इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, मंदिर के मुख्य पुजारी को आप सुन रहे थे, सीधे अयोध्या राम मंदिर चलते हैं, पंकज झा के पास कुछ अपडेट है, ओवर टू यू पंकज। मैं यह कह रहा था कि अभी सारे सीनियर पुलिस अधिकारी आए थे, लोगों को समझाया है, लोग एक एक करके जो सामने थे, चूंकि अंदर दर्शन बंद हो चुका है, जो लोग अंदर हैं मंदिर के उनको दर्शन कराया जा रहा है, और तब तक जो भीड़ बैठ गई है, आप देखिए एक साधु आगे खड़े हो गए हैं और सीताराम सीताराम भजन कराया जा रहा है ताकि लोग उसमें शामिल हों, उसी में बैठे रहें, धैर्य रखें। और कहा जा रहा है कि आप सबकी नंबर आएगा, आप सबकी बारी आएगी, आप सबको दर्शन कराया जाए, तब तक लोग किसी तरीके से उनका धैर्य न जवाब दे तो सीताराम सीताराम और हनुमान चालीसा के पाठ मंदिर के बाहर ही जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं वो शुरू हो गया है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे तीनों सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे कि इस वक्त राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। बहुत शुक्रिया अभिजीत, कुमार कुंदन और पंकज झा, आपका आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए। और देखिए, राम मंदिर की खबर के बाद अब आपको हम लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। ये बड़ी खबर आपको जल्दी से हम बता देते हैं, और कहा जा रहा है कि कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की स्वदेशी ताकत का दम, ये बड़ी खबर है। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी होविट्सर से सलामी दी जाएगी, 9 होविट्सर गन से दी जाएगी सलामी, परेड में टैंक, मिसाइलें, अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। 26 जनवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पर सलामी दी जाएगी इंडियन होविट्सर गन 105 से, जो कि 1720 मीटर की दूरी पर दुश्मन को
टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपको नजर आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीब 9 होविट्सरगन जो है वो यहाँ पर कर्तव्य पथ के पास तैनात की गई हैं और इनसे जो है सलामी दी जाएगी हमारे शूर वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए, और सलामी दी जाएगी हमारे उन जवानों को जो कि कर्तव्य पथ की पर जो है परेड में हिस्सा ले रहे हैं, वो तमाम आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ तैयारियों का भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारे इंडियन आर्मी के जो शूरवीर है वो यहाँ पर खासतौर से इस रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं, और ये होविट्सरगन जो है जो खासतौर से यहाँ तैनात की गई है, होविट्सरगन से सलामी तो दी जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात की जाए तो जो रिहर्सल को लेकर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है, और रिहर्सल देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। दिल्ली से बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं रिहर्सल को देखने के लिए, और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो दिखा रहे हैं, रिहर्सल दिखा रहे हैं, और खास तौर से जो होविट्सर गन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। 105 इंडियन मेड होविट्सर गन जो की 1720 मीटर की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकती है, उसकी धज्जियां उड़ा सकती है, और शूर वीरों को सलामी देने के लिए खासतौर से इन्हें यहां पर तैनात किया गया है। और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सियासी हलचल पर एक अपडेट है। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। नीतीश के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। 5 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, और बताया जा रहा है कि राजभवन में मुलाकात के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रूपेश, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। वहीं से लौटने के क्रम में पहले राज्यपाल राजभवन के अंदर गए और उनके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला भी, नीतीश कुमार की गाड़ी, और जिसमें विजय चौधरी जो नीतीश सरकार के मंत्री हैं वो उनके साथ थे, वो राजभवन गए। और पिछले आधे घंटे से लगभग मुलाकात हो रही है। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे अहम ये है कि बिहार में जो सियासी हलचल है उस हलचल के बीच कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री का राजभवन पहुंच जाना क्या ये औपचारिक मुलाकात है, क्या ये विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर ये मुलाकात है, या फिर जो कयासबाजियां पिछले लगभग एक पखवाड़े से चल रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, बड़ा उलटफेर हो सकता है, उन तमाम कयासबाजियों के बीच अचानक से एक सभा में, एक सरकारी कार्यक्रम में राज्यपाल के बगल में मुख्यमंत्री बैठे होते हैं और वहां से दोनों उठकर राजभवन चले जाए, तो जाहिर सी बात है उन चर्चाओं को भी, उनके आसबाजियों को भी हवा मिलता है। तमाम घटनाक्रम को देखकर यही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है नजर। आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बिहार में बताया जा रहा है कि सियासी हलचल पर एक बड़ी अपडेट है। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, बिहार सरकार में मौजूद वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ, और ये दोनों इस वक्त राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा घटनाक्रम में जिसमें लगातार बैठकें हो रही थी, जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा था, तो ये सियासी हलचल जारी है। और अयोध्या में भगवान राम लला विराजमान हो चुके हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का सपना साकार हो चुका है। इस बीच TV9 भारतवर्ष राम मंदिर को लेकर राजधानी दिल्ली में विशेष मुहिम चला रहा है, जिसमें हर रोज हम आपको दिल्ली के अलग अलग मंदिरों से राम भक्तों के मन की बात सुना रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली के गीता कॉलोनी में श्री सनातन धर्म शीशे वाला मंदिर में मौजूद है। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। जय दिल्ली के धाम, जय श्री राम। और आज के इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी के सनातन धर्म शीशे वाला मंदिर में, और देखिए यहाँ माहौल किस तरह का है। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें ही ये दिखा दूं, नाच रहे हैं लोग, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि राम लला आ चुके हैं। जिस पल का इंतजार था 500 वर्षों से, वो पल आ गया और पूरी दुनिया उसकी साक्षी रही। तो देखिए लोग इस उत्सव को मना रहे हैं यहाँ दिल्ली में भी। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब तो वो हो गया जिसका इंतजार था, अब कैसा महसूस कर रहे हैं दिल्ली वाले, गीता कॉलोनी वाले, दिल्ली वाले, पूरे देश, पूरा संसार, सारे एक ही राम में है, सारे के सारे, सबको इतनी खुशी है। सारी रात यहाँ डांस चलते रहे हैं, सभी लोग इतने खुश रहे हैं,
कल कैसा, कल का दिन कैसा रहा? कल का दिन मेरी टांगे जब मैं रात को लेटा हूँ तो ऐसे थी जैसे पत्थर पड़ गए हों। इतिहास था कल का दिन, जो इतिहास कभी कोई नहीं रच पाया। 22 जनवरी इतिहास में गिनी जाएगी, हर वर्ष की तरह दिवाली मनाएंगे। हाँ जी, कल इतिहास रचा। कल का दिन एक मतलब जितने भी स्नातनी थे उनके लिए सबसे बड़ा दिन था, और ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ जी, युग युग तक ये दिन देखा जाएगा, याद करा जाएगा, बहुत ही इतिहास का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, देखिए जो भाव है वो यहाँ दिख रहा है। हम लौटेंगे और देखिए जरा वो तस्वीरें भी आप दिखाइए, वो तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से महिलाएं यहाँ नाच गा रही हैं, किस तरह से महिलाएं यहाँ पर झूम रही हैं, किस तरह से महिलाएं यहाँ पर झूम रही हैं, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है, अब तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई अयोध्या में, और दिल्ली में देख रहे हैं कि धूम ही धूम है, दिवाली है। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आज राम जी ने दर्शन दिए। तो अयोध्या कब जाना है अम्मा? जब भगवान जी बुलाएंगे तब। भगवान जब बुलाएंगे? हाँ, कल बुलाएंगे, कल चले जाएंगे। लेकिन आ तो गए भगवान राम लला, अब बुलाने के ऊपर, उनके बुलाने के ऊपर है। कल आपने देखा टीवी पे तस्वीरें देखी? पूरा देखा। कैसा महसूस हो रहा था, क्या लग रहा था? बहुत अच्छा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिवाली आई है, साक्षात खड़े हो, दिवाली की तरह हुआ जो हमारा। ऐसा लग रहा था जैसे जो हम सुनते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, पर अब हमारा मंदिर बन गया। जय श्री राम, जय श्री राम। आज मन इतना खुश है, 500 साल से इंतजार कर रहे थे और हमारा मंदिर। 7 साल पहले मैं अयोध्या में गई थी, ऐसे मतलब छोटी सी कुटिया में राम जी बैठे हुए थे, बड़ा मन को वो होता था। आज हमारे टेंट में बैठे थे और अब अपने आसन पे बैठे, सिंहासन पर आ गए हैं, हमारे राम जी आ गए हैं, और राम को हम देखते ही रहे, राम ही सब कुछ है। राम हमारे राज राज खुशियां मनावा, राम मेरे घरे आए, मैं राज राज खुशियां मनावा, राम मेरे घरे आए, मेरे घरे आए, मेरे घरे आए, खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, प्रसन्नता है बहुत यहाँ पर। गीता भैया, ये 500 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है, 14 वर्ष का वनवास नहीं, ये राम जी का 500 वर्ष का वनवास हुआ, ये हिंदुओं में जागृति है। श्रेय किसको जाता है इसका, ये जो अथक परिश्रम रहा, लोग कहते हैं कि 500 वर्षों का संघर्ष है। हाँ। लेकिन अब ये पूर्ण जाके अब हुआ है 22 तारीख को 2024। ये भैया ये पूरे सनातन धर्म की विजय है, ये अकेले एक हिंदू की नहीं है, ये किसी की नहीं, पूरे सनातन धर्म की विजय है, और इसमें सनातन धर्म का पूरा ये हुआ हर्षोल्लास के साथ। हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कल का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, हिंदुस्तान का जा चुका दिवाली, पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर दिवाली का त्योहार शान शौकत से, जितनी पहले दिवाली उससे भी उत्साह। ये जनवरी में बिल्कुल हर साल हम 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम। अब साल में दो दिवाली। भाई साहब, हमारा जीवन सफल हो गया, जो हमने कल राम जी की पूजा देखी आज तक किसी ने नहीं देखी, और हमारा जीवन इतना सफल हो गया कि हमने राम जी का साक्षात वो किया, और इसलिए जब ये अयोध्या में मंदिर का दोबारा शिलान्यास हुआ, मैं उस समय यहाँ भी कुछ महिलाएं। अम्मा, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, भगवान राम का मंदिर, उनकी स्थापना रामलला अयोध्या में आ गए। ठीक है, कहना चाहेंगी? हाँ, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना है? उम्र कितनी है आपकी? मेरी होगी 90 साल। 90 साल? हाँ, 90 साल हो गए। हाँ। और आपके जीवन काल में ये भी हुआ? हाँ, अयोध्या का पहली बार हुआ, हमारे जीवन में पहली बार हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, राम जी आ गए। भावुक पल था? हाँ जी, भावुक पल था, भावुक, इमोशनल, हमारे बहुत अच्छा लगा। देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी, देखा आपने कैसे सब पूजा हुई? देखा टीवी में, देखा यहाँ भी, देखा के दर्शन हुए? हाँ, खूब अच्छे। कैसी लगी मूर्ति? जब कल रामलला जी के दर्शन हुए, इतनी सुंदर मूर्ति थी कि मैं तो वहाँ पर रोने ही लग गई, मैं इतनी भावुक हो गई, भावुक हो, बहुत भावुक हो गई थी कि मेरा रोना ही निकल गया, सो गई मन को।
रामलला के दर्शन हुए, कैसे लगे रामलला? बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी। ऐसा पल था वो कैसा? हाँ जी, बहुत श्री राम, जय श्री राम। अम्मा जय श्री राम। मोदी जी ने जो काम कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता था। भक्ति में लीन है आप। बहुत बहुत बधाई हो सबको, पूरी दुनिया को, और धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का और नीचे क्या नाम है हमारे ये मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी है मोदी जी ने, अयोध्या सजाई है और अब इतनी विनती है मोदी जी से कि क्या नाम है वो मथुरा भी सजाएं। मालिक उनकी लंबी उम्र करे, हमेशा खुशहाल रखे, हम सबको बहुत खुशहाल रखे। पूरा सजी धजी थी अयोध्या। हाँ जी, कल अयोध्या पूरी तरह से सजी थी और दिल्ली भी सजी। जी जी बिल्कुल, ऐसे लग रहा है जैसे लोगों में इतना उत्साह था कि पहले कभी नहीं हुआ मैंने लाइफ में। तुम देखा कल युग में त्रेता युग वापिस आ गया, ऐसा लग रहा है। जय श्री राम। जय जय, बहुत अच्छा लगा हमें श्री राम जी हमारे घर आ गए, दर्शन दिए। जय श्री राम। मेरे से चला नहीं जाता लेकिन मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी अयोध्या, जैसे भी जाऊँ, जैसे भी जाऊँ मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे राम जी का अयोध्या इतनी अच्छी सजी हुई कि हमारा जाने का बहुत मन था लेकिन हम जरूर जाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कल देखा था आपने। हाँ, तो ऐसा मैं ऐसा लग रहा है अपने भगवान आ रहे हैं। जय श्री राम। हमारे पूर्वजों के बड़े त्याग के बाद हमें ये सोसत देखने का मौका मिला है और हमें भाभी को भाग्यशाली समझती हूँ। अम्मा कुछ कहना चाहो? जय श्याम। सीटी वाले मंदिर में बहुत खुशियाँ बड़ी है, 50 साल के लगे हुए बहुत खुशी बड़ी। जय श्री राम आ गए हमारे, बहुत खुशी। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। और महिलाओं से तो हमने बात कर ली, कुछ हम पीछे चलेंगे और जरा यहाँ पर और भी लोग हैं। यहाँ आप जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दिल्ली से जय श्री राम का नारा कहाँ तक जा रहा है? अयोध्या तक। अयोध्या तक जा रहा है, अयोध्या तक जा रहा है ये कह रहे हैं कि अयोध्या तक जा रहा है। जरा हम पीछे भी आ जाएं। बताइए, मैं तो महिलाओं से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में इस अवसर को कैसे देखा गया? मतलब हम सब दिल्ली में मौजूद हैं, अयोध्या से थोड़ी दूरी पे है लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पूरी तरह से अयोध्या से जुड़ी हुई। हाँ जी, जुड़ी हुई है सबकी। वहाँ पे एक इच्छा होती है, रामलला हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और एक मंदिर बना हमारे समाज में एक सनातन को जो लोग अलग करना चाह रहे थे कल सनातन में सबने दिखा दिया है कि दो सारे एक है और जो लोग एक है। जो लोग विभाजन की सोच रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी, सनातन ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आने वाले 2024 में मोदी जी को विजय मनाएंगे, ये सनातन ने दिखाना है। बात तो शुरू से कही जाती है कि भगवान राम जो है वो भारत को जोड़ने वाले हैं। हाँ, कुछ कह रही है, कुछ कह रही है। राम नाम की माला जपेंगे और सदा खुशियां बरसाएंगे इधर।